मध्य प्रदेश के धर्मनगरी इंदौर में देश भर के गुरु भक्त मुनिश्री के दर्शन वंदन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं मुनिश्री सभी भक्तों को धर्म के पाठ के साथ समाज उत्थान हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। 1 सितंबर को इंदौर में हुए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के विश्व विख्यात कार्यक्रम में शंकाओं का समाधान देते हुए गुरुवर ने कहा कि समाज में आज भी अभावग्रस्त लोग हैं, साथ ही हर समाज में 1 लाख से कम आय वाले लोगों का सर्वे किया जाए और ठोस कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ा जाए। ये बात सही है कि समाज में आज भी अभावग्रस्त लोग बहुत हैं। आज मैंने मध्याह्न में ये बात कही थी, इंदौर के लिए कही, पूरे देश के लिए इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि सब समाज में एक सर्वे होना चाहिए कि हमारी समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से नीचे, और इतने ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से नीचे। मेरे अनुमान से 1 लाख से नीचे आय वाली आज अगर संख्या देखी जाए तो आपके इंदौर शहर में भी 1000 परिवार से कम नहीं निकलेंगे, 1000 परिवार से कम नहीं होंगे। अनेक लोग आते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं और उनके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं दी जाती है। एक सर्वे करा जाए, उसकी ठोस कार्य योजना बनाई जाए और उनके लिए कोई एहसान नहीं, उनको समर्थ बनाने का अभियान छेड़ा जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और वो हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं देख रहा हूँ अविनाश इन्फोबिन, मेरी बात सुन के जाना, आज उससे भी मेरी चर्चा हुई। इन लोगों को पता नहीं कि समाज में गरीब कितने हैं, बहुत हैं, पर अमीरों तक गरीबों की पहुँच नहीं है। इतना भर है कि वे संतों तक पहुंच बना सकते हैं और हमारे पास तो सब आते हैं, उनके लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। मुनिश्री ने समस्त समाज को इस विषय में 4 स्तर पर कार्य करने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जो इस प्रकार है। मैं इस संदर्भ में पूरी समाज को 4 स्तर पर संदेश देना चाहता हूँ। पहला सर्वे, सर्वे भी क्या किया जाए, अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए लोग अपने अपने मंदिरों के स्तर पर समाज में सर्वे करें कि हमारे समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से नीचे अथवा 2.5 लाख से या 2 लाख से नीचे, एक टारगेट बना करके तय करें। दूसरे चरण में ये अपने अपने समाजों में एक प्रस्ताव पारित किया जाए साधर्मी भक्ति के रूप में और मद रखा जाए कि हम अपने समाज में साधर्मी भक्ति का मद रखेंगे, आप अपने हर मांगलिक कार्यों में जब भी दान निकाले तो साधर्मी भक्ति के नाम पर अलग फंड निकालें। और तीसरे चरण में हम मंदिर में उसी के साथ एक गुल्लक रखें जिसमें लिखा जाए साधर्मी भक्ति, उस पैसे का प्रयोग ऐसे कार्य में किया जाए। मंदिरों का पैसा देव द्रव्य है, देव द्रव्य का उपयोग कभी मत करना, उससे तो भिखारी बनेंगे। साधर्मी को सहयोग देने के लिए आप ऐसा कार्य करें, वो उनको दें। तीसरे चरण में उनको देखें जो एकदम निराश्रित है, कुछ काम करने के योग्य नहीं है, जिनको केवल पेंशन के सहारे चलाया जा सकता है, उनको चिन्हित की जाए। चौथे चरण में उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको रोजगार दिया जा सकता है या रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये चारों का सर्वे करके एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए तो समाज आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार प्रतिदिन भक्त अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं और मुनिश्री भी धर्म के साथ समाज कल्याण एवं उत्थान हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।